चलो कोई ना, क्लासेस स्टार्ट ही करते हैं। ये बताओ लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, किसी को कुछ पता है? किसी को कुछ भी पता सर ये है? समराइज पढ़ा कर, दीजिए सर, एक बार रिवीजन करा दूं क्या मैं? ये ओवर सर ओवर करा दीजिए, करा करा दे क्या? दीजिए। सीधी सी बात है, चैप्टर का क्या नाम है यार? आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या इक्विलिब्रियम में रहेंगे? आयंस आयंस रहेंगे। जैसे देखो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे CH3COOH, ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? CH3COO- और एच प्लस प्लस। कोई प्रॉब्लम क्या? देखो ये पता है क्या, ये वाला बन के ये ऐसे टूटता है, और फिर ये जो टूटते हैं ना, फिर आपस में जुड़ के क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं, ये टूट के ऐसे बन जाता है, फिर ये कैसे क्या, ये ऐसे बन जाता है। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही यही है आयनिक इक्विलिब्रियम। आप बताओ ये जो हमारे पास जो भी रिएक्शन है, या फिर जो भी हमारे पास रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये जो भी हमारे पास केमिकल है, टूटा कि नहीं टूटा? टूटा, यस सर, इसी को हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं। अब देखो टूटने वाले कौन कौन से हैं, एसिड होता है, एसिड एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, HCl एसिड है क्या? एसिड है, HCl भी टूटता है H+ और Cl- में। देखो बेस ले लेते हैं, बेस बेस भी तो टूटता है नया, जैसे मानो मैं NaOH ले गुड लेता। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। NaOH मैं ले लेता हूँ, तो आप बताओ ये किस में टूटेगा? एनए Na+ प्लस और यस Cl OH- में टूटेगा क्या? टूटेगा, सर, ये तो क्या बेस। और मैं सॉल्ट भी ले लेता हूँ, NaCl भी ले लेता हूँ, आप बताओ ये क्या है? ये सॉल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्ट, ये क्या है? NaCl है। NaCl भी हमारा टूटा किस में? Na एनए प्लस में और Cl माइनस में। तो देखो ये इतने सब टूटे कि नहीं टूटे? और जो भी पानी में टूट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जो नहीं टूटते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, H12O6, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ऑयल का कंपाउंड, बिल्कुल कई सारे ऐसे होते हैं जो कि पानी में नहीं टूटते हैं, नहीं टूटते, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक बात और याद रखो, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, आप पानी में डालोगे ना, फिर पानी में फिर करंट डाल दोगे ना, करंट, ये पता है आयंस घूमने लगते हैं, काफी तेज से मूव करने लगते हैं। जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी तेजी से हमें करंट मारेगा, अगर हम उसको टच करेंगे तो। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का काम करते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते हैं, ये बात आप लोग याद रखना हमेशा। आगे आते हैं, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमने किसको टूटते हुए देखा? एसिड को भी देखा, बेस को भी देखा, और सॉल्ट को भी देखा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो टूटता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और टूटने में ही जो सबसे ज्यादा टूट जाए उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो कम टूटे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब के सब टूटते हैं, तो इसमें भी एक स्ट्रांग वाला होगा, स्ट्रांग होगा, और एक वीक होगा, इसमें भी एक स्ट्रांग वाला होगा और एक वीक वाला होगा, इसमें भी एक स्ट्रांग वाला होगा और एक वीक वाला होगा। कोई प्रॉब्लम क्या? अब नो देखो एसिड टूटते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड जो होते हैं टूटते हैं तो H+ देते हैं क्या? सर, बेस टूटता है तो क्या करता है? OH- देता है क्या? यस बिल्कुल। आप बताओ इससे हमें क्या लग रहा है, अगर जहां H+ मिल जाए वहां से हम pH वाला गेम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस यस सर, कर सकते हैं। यस तो सर, इस चैप्टर में कुछ ओवरऑल यही हम लोग देखेंगे, एसिड बेस सॉल्ट कैसे टूटा, कैसे क्या हुआ, फिर pH पढ़ लेंगे, फिर यही करते करते pH निकालते निकालते हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। गुड कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यहाँ तो तक कौन से आपने भाग कर ये एसिड बेस, अभी मैं रिवीजन हल्का करा रहा था, सोच रहा था 5-10 मिनट थोड़ा सा रिवीजन करा लूँ एक बार, रहे? ओके okay. थोड़ा सा एसिड के बारे में, एसिड बेस के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एसिड और बेस के बारे में, एसिड और बेस के बारे में ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन दिया। सक्सेसफुल कितने लोग का हुआ? 3 लोग का। तीन दूसरा नाम लोगों का, तीन साइंटिस्ट अरहेनियस, आरहेनियस। दूसरे का नाम ब्रॉन्स्टेड, और एक और था कोई, लुईस ब्रॉन्स्टेड, और कोई तीसरे वाले था, का नाम लुईस, लेविन, लेविन, लुई लुइस लेविन। लेविन, जो भी बोलो, ठीक है क्या? ये 3 लोग दिए, तीनों लोग के अकॉर्डिंग ना अलग अलग डेफिनेशन आया, और तीनों लोग का सक्सेसफुल हुआ काफी। आप पहला देखते हैं आरहीनियस का। आरहीनियस ने क्या बोला था, आप कोई भी केमिकल लेकर आओ उसको क्या करो, पानी में डाल दो, अगर वो उस केमिकल से हमें H+ दिखता निकलता हुआ नजर आ जाएगा तो वो केमिकल क्या होगा?
वो एसिड होगा। फिर से क्या किया उन्होंने, कोई भी केमिकल लेकर आओ उसको कहाँ डाल दो, पानी में डाल दो, अगर उस केमिकल से OH माइनस निकलता हुआ दिख गया तो क्या हो जाएगा, बेस। बेस होगा। कोई प्रॉब्लम क्या अरहीनियस के अकॉर्डिंग? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो मैंने क्या ले लिया, मैंने HCl ले लिया और मैंने इसको क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो पता है क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है और चारों सर तरफ इसके पानी होता है। आप बताओ ये H प्लस क्या करता है, पानी के पास जाके चिपक जाता है और H3O प्लस बना लेता है। कोई प्रॉब्लम का, ये पानी में टूटा कि नहीं टूटा, ये टूटा, आरहीनियस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? ये एसिड सर ऐसे ही हमारे पास NaOH है, ये भी क्या करता है, पानी में टूट जाता है और Na प्लस और OH माइनस बना लेता है, होगा। तो ये भी क्या होगा, आरहीनियस के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस होगा। ये आरहीनियस वाला गेम आपको समझ आ गया। अब आते हैं ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड और लॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी दोनों दोनों एक ही साइंटिस्ट थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों लोग कंबाइंड लग के एक नया कॉन्सेप्ट दिया। देखो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि उसमें इसने पता है आरहीनियस ने क्या बोल दिया था, आरहीनियस की लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने पानी बोल दिया था, जो चीज पानी में ही जाएगा उसी को एसिड बोलेंगे। अब ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बोले थे पानी वाला कॉन्सेप्ट खत्म करो, कोई भी चीज हो, अगर वो एच प्लस दे दिया, एच प्लस देने वाला, ऐसे एच प्लस देने ऐसे वाले को क्या बोले, वो एसिड बोल दिए। कोई भी चीज हो अगर वो एच प्लस दे देगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ऐसे जो एच प्लस ले लेगा वो बेस वो बेस होगा, वो क्या होगा, बेस बेस। होगा। अब इनका एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल। जैसे देखो, जैसे क्या है, इसमें हमारे पास है HCl और H2O और ये मिलके क्या बना लिया, H3O प्लस और सर Cl माइनस, कुछ ऐसे बना लिया। आप बताओ इसमें H प्लस देने वाला कौन है, ये है या फिर ये है? एसिड H प्लस दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिड अब H प्लस ले कौन रहा है, H2 H2O, ये क्या होगा, बेस होगा बेस होगा। कोई प्रॉब्लम क्या, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मानो हमारे पास क्या है, NH3 है और इसमें पानी में मिला दिया मैंने, कुछ ऐसे बन गया NH4 प्लस और OH माइनस। अब बताओ इसमें H प्लस कौन दे रहा है, H2 H2O, ये क्या हो गया, एसिड H प्लस ले कौन रहा है, NH3 NH3, ये क्या हो जाएगा, बेस। बेस हो गया। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार, ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने लास्ट क्लास तक शायद यही बताया था, पता नहीं लुईस एसिड या बेस बताया था कि नहीं बताया इससे भी आगे बता दिया था आपने सर। था, इससे भी आगे लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट बता दिया था क्या मैंने? हाँ सर ऐसे बता दिया सर, कॉन्जुगेट एसिड बेस वो भी बता ठीक है दिया ठीक था। है, एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ, यहां तक सबको समझ आया कि नहीं यार? सर बस नाम नाम का अच्छा है, किस चीज का नाम नाम का श्रेया, मैं देखा नहीं मैसेज आपका। अच्छा चलो कोई ना, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। ध्यान दो एक और नया वर्ड आता है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। मैं फिर से इसी का एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास क्या है NH3 H2O, ये मिलके क्या बना NH4 प्लस और OH माइनस। ध्यान दो मैंने इसको क्या बोला, बेस। बेस बेस की खासियत क्या होती है, H प्लस लेना, बोलो यार। यस लॉरी लॉरी ब्रांस्टेड ने क्या बोला था, जो H प्लस लेगा वही बेस है, तो बेस की खासियत सर क्या है, H प्लस लेगा, लेना H प्लस ले, H प्लस कौन लिया, यही लिया ना, यस सर एच ये लिया, तो ये पता है क्या हो जाएगा, जब ये बेस है फोर ना ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड हो जाएगा, कंजुगेट एसिड हो ऐसे जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या, कोई नो प्रॉब्लम। सर अब देखो एसिड की खासियत क्या बताया था ब्रॉन्स्टेड ने, देना एच प्लस एच प्लस देना, वो एच प्लस देना। एच आप बताओ एच प्लस दे के खुद को क्या बना लिया, प्लस बेस अरे एच प्लस ये तो खुद एसिड है, एसिड एसिड बना दिए और एच प्लस दे के खुद को ओ एच माइनस बना लिया, और इसे हम लोग क्या बोल दिए, कंजुगेट एस बोल दिए, बेस। कंजुगेट कॉन्जुगेट बेस बोल मतलब दिए। है क्या? मतलब देखो एक तरह से ये बेस ही है, बेस ही है। आप बताओ इसकी खासियत क्या है इस रिएक्शन में, एच प्लस देना, यस और इसकी खासियत क्या है, अगर इसको कहीं से एच प्लस मिलेगा तो ले लेगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, इसको जरूरत भी है, ये ले लेगा, बोलो यार।
ये बेस हो गया, बेस हो गया। जाहिर सी बात है जो H+ लेता है वो बेस होता है, ये H+ ले लेगा मिलेगा तो। इसका देखो, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने एसिड बोला क्या? एसिड की क्या खासियत है? H+ देना, इसके पास H+ दे देगा ये, अभी अभी कोई मांगेगा ना तो दे देगा ये। देखो इसके पास एक एक्स्ट्रा प्लस है, एक एक्स्ट्रा प्लस है, दे देगा ये। कंफ्यूजन क्या किसी को? अगला एग्जांपल से ले लो, हमारे पास HCl है और H2O है, किस क्या बनेगा? H3O प्लस बनेगा और Cl माइनस, Cl माइनस बनेगा। एक बात याद रखना, एक बात आप लोग याद रखना, इसमें H+ कौन दे रहा है? HCl, HCl, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और ये H+ ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब बताओ HCl H+ दे के खुद को क्या बना लिया? OH- बना लिया क्या? Cl- बना लिया क्या? ये क्या होगा इसका? कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस होगा। कंजुगेट बेस बोलो या फिर बेस ही बोल दो इसको, कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। बेस की क्या खासियत है? H+ को लेना, H+ को लेना। अगर हम इसको फिर से H+ दे दें तो ये एसिड बना लेगा क्या? HCl बना लेगा, बना लेगा। तो एक बात याद रखना, अगर कोई पूछे इसका कंजुगेट एसिड बता दो तो आप सीधा इसको H+ देना, जो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। यस सर। देखो इसका, देखो ये हमारा बेस है, इसका कंजुगेट एसिड कौन है? ये है H3O। एसिड का काम होता है H+ देना, तो आप इससे H+ एक निकाल दो तो बन जाएगा फिर से वही। यानी कि देखो ये एसिड है और ये बेस है, आप एक दूसरे को बोल सकते हो ये इसका कंजुगेट है और ये इसका कंजुगेट है। बोलो इक्विलिब्रियम टाइप बन रहा है सर। क्या सर? इक्विलिब्रियम टाइप बन रहा है सर। हाँ, इक्विलिब्रियम टाइप नहीं, नेम में इक्विलिब्रियम है, नेम में। स्ट्रॉन्ग वाले में इक्विलिब्रियम नहीं बनता है, ये वीक वाले में इक्विलिब्रियम बनता है। नहीं समझे क्या? समझ गया। मैंने आपको दो तरीके का इलेक्ट्रोलाइट बताया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग वाले तो 100% डिसोसिएशन में आते हैं, पूरी की पूरी तरीके से टूट जाते हैं, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, इसलिए उसके लिए सिंगल एरो। और जो वीक वाले होते हैं क्या होते हैं? डबल एरो, डबल एरो, डबल एरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और याद रखो, एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट, शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या कॉमन आयन इफेक्ट। नो सर, ये नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट देखो क्या होता है, मानो हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH है। अगर ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? CH3COOH- के साथ है और H+ के साथ है। अब हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन किसी ना किसी डब्बे में हो रहा होगा। मैं इसमें बाहर से क्या डाल दे रहा हूँ? HCl डाल दे रहा हूँ, HCl। तो HCl डालूंगा तो जाहिर सी बात है इस डब्बे में H+ और Cl- टूट जाएगा। बोलो यस सर, टूट जाएगा। कौन सा ऐसा आयन है जो एक दूसरे से कॉमन है? H+। ये H+ वाला दिख रहा है क्या? ये H+ इस वाले H+ से कॉमन है। देखो अब बताओ, प्रोडक्ट के साइड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्या? बढ़ गई। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तेरी किधर जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, 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 बैकवर्ड। ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था ना, जब लीच एट लेयर प्रिंसिपल पढ़ाया था, कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो होता क्या है, जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो पता है क्या होता है, उसमें अगर हम कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं ना, तो ये आयोनाइजेशन कम होता है। यहाँ पे तो पहले आयोनाइजेशन ज्यादा हो रहा था, नहीं ज्यादा टूट रहा था, लेकिन अगर हम कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया? बैकवर्ड में चला गया, यानी कि आयोनाइजेशन ही कम हो गया, टूटना ही कम हो गया। समझ गए क्या? कॉमन आयन इफेक्ट आप लोग मुझे लग रहा है इजिली समझ गए, कोई बड़ी बात। एक चीज है, अगर मैं इसमें NaCl डालता तो क्या ये आगे पीछे कहीं होता क्या? बताओ, नहीं होता, क्योंकि इसके लिए कोई कॉमन है क्या? नो सर, कोई कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन ही नहीं है। आगे आओ देखते हैं, एक बार मैं आपको लेविस वाला भी बता देता हूँ। लेविस वाला मैंने आप लोग को बता दिया था क्या? नो सर, एक बार बता दे। लेविस एसिड एंड लेविस बेस, लेविस बेस, लेविस एसिड और लेविस बेस, ये दो वाला गेम आप लोग को बता देता हूँ। सीधी सी बात है, एक होता है अमीर और दूसरा क्या होता है? गरीब, भिखारी। होता है क्या ऐसे? अमीर का क्या मतलब है? दान करने वाला, मान लेते हैं दान करने वाला। भिखारी का मतलब लेने वाला, मांगने वाला, मांगने वाला। तो आप बताओ, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है
दान किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और क्या लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन लेंगे, सीधी सी बात है। जो अमीर इंसान है उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें बेस बोल लेंगे, और जो गरीब है उसको क्या बोलेंगे, एसिड। ध्यान दो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, अमीर बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ध्यान दो, हमारे पास क्या है, एक NH3 है, आप बताओ इसके पास एक लोन पेयर ऐसे होता है क्या, चमकता हुआ, ये क्या फालतू सा पड़ा हुआ, ये दे सकता है क्या किसी को, दान कर सकता है, इसको हम क्या बोल दिए, बेस बोल दिए क्या, किसके अकॉर्डिंग, लुईस के, लेविस के अकॉर्डिंग। कोई प्रॉब्लम इसमें, ना सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास H2 है, इसके पास दो लोन पेयर होता है, क्या ये भी दान कर सकता है क्या, यस सर, ये क्या हो गया, बेस, बेस लेविस के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को समझ आ गया क्या, दान करने वाले बेस होते हैं। अब लोन पेयर पता है क्या, देखो देखो ये बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, पांच होते हैं क्या, यस सर, बोलो, तीन तो इसने बॉन्ड बना लिए, एच एच और एच, दो बच गए, और जो बच गए वही लोन पेयर होते हैं। ये आप लोग बॉन्डिंग में पढ़े हुए, केमिकल बॉन्डिंग में, यस सर, पढ़ा था, पढ़ा था, आई होप सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, आई होप, ठीक से नहीं पढ़ा, यही लोन पेयर, यही लोन पेयर ऑक्सीजन में कितने होते हैं, दो होते हैं। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखो ये तो हो गया, अब अगर कोई OH माइनस बोल दे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे किसकी, इसकी, इसके पास क्या अधिक है, यहाँ पे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन अधिक है, माइनस फालतू लेके घूम रहा है, ये भी दान कर सकता है, बोलो यार, yes, SH माइनस, ये भी दान कर सकता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर वो दान कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी कि लेविस बेस बोलेंगे। अब देखते हैं भिखारी कौन कौन है। देखो अगर हम BF3 बना ले, BF3 कैसे बनाएंगे हम, कुछ ऐसे बनाएंगे क्या, बी एफ एफ एफ, आप बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, बी के तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो, छह और दो और तीन पेयरिंग वाले, तो टोटल छह होगा कि नहीं होगा, इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब ये क्या है, भिखारी है, भिखारी है, बिल्कुल। ये किसके अकॉर्डिंग, ये क्या होगा, एसिड, एसिड होगा, लेविस के अकॉर्डिंग, बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये सर आ रहा है, आ रहा है। अगर ऐसे ही हम AlCl3 ले लें, ये भी कुछ ऐसे ही भिखारी वाला है, बोलो, भिखारी है, भिखारी है, इसका कॉन्सेप्ट एक और मैं बता रहा हूँ, देखो वहां समझ लो, जैसे मानो BF3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, नंबर 5 होता है, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p1 लिखोगे क्या, 2p1, ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल, तीन, पी में तीन, एक में इलेक्ट्रॉन भर लिए, आप बताओ दो खाली है क्या जगह, यस सर, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है क्या, यस, इसके पास जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आप लोग ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जैसे मानो कोई एक थर्ड ऑर्बिटल का, थर्ड ऑर्बिट का एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मानो मैं सिलिकॉन SiCl4 ले लेता हूं। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आप बताओ ये कौन से ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का है, जैसे देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिट होते हैं, और कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ये आपने पढ़ा है क्या पीरियोडिक टेबल में, yes, sir. ये जो सिलिकॉन होता है ना, वो थर्ड नंबर का ऑर्बिट होता है, और ये 14 नंबर जगह पे होता है, 14 वाले जगह पे होता है। तो देखो आप बताओ पहले वाले सेल में कितने सबसेल होते हैं, ओनली 1s होता है, दूसरे वाले में 2s और 2p, तीसरे वाले में क्या होता है, 3s, yes, 3p, 3d होता है क्या ऐसे, होता है, देखो सिलिकॉन का नंबर कितना है, 14 नंबर है, तो देखो क्या होता है, कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2p2, कुछ ऐसे होगा क्या, yes. हो गया, हो गया। आप बताओ ये p वाले में पूरा जगह भर गया क्या, मतलब p वाले में एक जगह बचा क्या, yes, एक बचा, इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है क्या, जगह भी बचा हुआ क्या इसके पास, yes, बचा हुआ है, बचा हुआ। आप बताओ डी वाला तो पूरा का पूरा खाली है इसके पास, डी वाले में भी तो भरा जा सकता है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है इसके पास, पूरा का पूरा खाली है।
समझ रहे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? यस सर, चल रहा है चल रहा है। ये भी क्या होगा, लेविस के अकॉर्डिंग क्या होगा? एसिड, एसिड होगा, क्योंकि ये भी इसके पास जगह है, जगह है। ये आप लोग वो रील से देखे हो क्या, जगह है बिल्कुल भी नहीं है, शायद दिल्ली का है, जगह है, नहीं जगह है। मतलब दिल्ली का शायद ये ऐसा कुछ था ना, पता नहीं दिल्ली का था या कहाँ का था। दो उड़े लोग बस फंस गए, बैठे हुए थे ऐसी सीट पे। चलो कोई ना, आगे देखते हैं, हो गया ये। अब देखो मानो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, Fe3+। आप बताओ, जैसे मानो आपके घर में बेड है, बेड को मैंने बाहर निकाल दिया तो बेड वाला जगह बच गया क्या? यस सर, बच गया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन वाला जगह बच गया क्या? यप। बोलो, सभी को सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वाला जगह बच गया, तो हम बाहर से इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये भी लेविस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एसिड हुआ, एसिड FeCl3, ये लेविस एसिड होता है। पॉजिटिव वाले ना सारे लेविस एसिड होंगे, हो जाएंगे यार, हो जाएंगे। Zn2+ भी क्या होता है, लेविस एसिड होता है। बताओ क्या Zn2+ कैसे होता है लेविस एसिड, बता दीजिए सर। देखो देखो देखो, आप बताओ Zn कितने नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक में? 30 नंबर पे आता है, 30 नंबर पे। देखो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s 3d 10, ऐसे लिखते हो ना? यस सर, जो 2 स्पेस खाली होता है। अब देखो एस वाला डब्बा खाली है क्या? यस सर। ले सकता है क्या इसमें? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। आप बताओ अगर ओनली Zn होता तो ये ले पाता क्या? नो सर, नहीं ले पाता, नहीं ले पाता। Zn2+ है, इसलिए क्या हुआ, लेविस एसिड। कोई प्रॉब्लम, आई होप, मुझे लग रहा है लेविस एसिड आप लोगों को समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। आओ आगे देखते हैं, ये पूछ रहा है द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2। सर डी। यस सर, सभी कोई बताओ। देखो इसका कंजुगेट एसिड पूछा है, इसका मतलब ये पहले बेस रहा होगा। बोलो, इसका कंजुगेट एसिड पूछा है, इसका मतलब ये बेस होगा। जब बेस है तो आप इसको H+1 दे दो, क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा क्या? Yes, ये बेस है, इसका कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार पहले आप लोग सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार पोल करा ले रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं कितने लोग बता रहे पोल में। कितने लोग दोबारा क्लास ले रहे हो ये बताओ? सुनने ये भाई तो पहले, यही है अभी पहली वाली, पोल में बताओ, देखते हैं कितने लोग हाँ या ना में जवाब देते हैं। पोल बताओ यार, पोल में से कुछ थोड़ा सा मजा होना चाहिए बीच बीच में। पोल में थोड़ा बहुत मजा होना चाहिए बीच बीच में। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है? कोई भी ऐसा है यार? मतलब नियर अबाउट ना 25% हो और केवल 7-8 ही ऐसे वोट दे रहे हो। कितने लोग को पोल यूज करना नहीं आता है ये बताओ, कितने लोगों को पोल यूज करना नहीं आता है? अंजलि आपको नहीं आता है क्या? देखो आप लोग जाओ एक्टिविटी वाले ऑप्शन में जाओ, ऐसे 3 डॉट ऐसे, मतलब ऐसे बना होगा कुछ, ऐसे ऐसे एक स्क्वायर में और एक ट्राइंगल में और एक सर्कल में ऐसे कुछ बना होगा एक्टिविटी नाम का। उसमें अगर आप जाओगे ना तो एक पोल का ऑप्शन आएगा, पोल का दिख रहा है क्या आप लोग को? जाओ एक बार पोल करो, वहां पे आप लोग पोल करो, मजा आता है, इससे मजा आता है, काफी मजा आता है। यस सर, अब आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जाओ वहाँ पे बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर कर दिया कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, कौन है जो ना लिखा है बता दो, मैं उसको भी समझा दूंगा। एंजॉय से पढ़ रहे या फिर बस वैसे ही मजे से, मतलब बिना एंजॉय के? सिर्फ फुल एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल यार, समझ आना चाहिए, मेन चीज है समझ आना चाहिए। देखो कंजुगेट एसिड यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, विच इज इनकरेक्ट, ये पढ़ कर लोगे क्या आप लोग या फिर बता दूं मैं? सर कर लेंगे। चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, ये पूछ रहा है, चेक कर लेना, कर लेना आप लोग। अब आगे देखते हैं, ये पूछ रहा है द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन
HClO4 इज डिजॉल्व इन एसिड। ध्यान दो, रिएक्शन में सबसे पहले लिख रहा हूं क्या है, HF है और HClO4 है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, ClO4- के साथ है और H2F+ के साथ है। ध्यान दो, आप बताओ H+ कौन दे रहा है, HClO4 दिख रहा है क्या, यही तो H+ दे रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ, एसिड हुआ। और ले कौन रहा है, HF, तो ये क्या होगा, बेस होगा। अब देखो, तो ये बेस हुआ, तो ये वाला क्या हुआ, ये कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड का एक पहचान भी बता दे रहा हूँ, इस पे प्लस होता है, और ये क्या हुआ फिर, कंजुगेट बेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंजुगेट एसिड बेस पेयर, यानी कि कौन जो है ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर के करेक्ट ऑप्शन है। पहला देखो, पहले में क्या है, HF और HClO4। मैं देखता हूँ HF है, ये क्या है, बेस है, और HClO4 क्या है, एसिड है। इसमें बताओ कोई कंजुगेट वाला है क्या, नो सर, नहीं है, सीधा मार दो। दूसरा क्या है, HF है और HClO4 है। HF क्या है, बेस है, HClO4 माइनस क्या है, ये भी बेस है, तो आप बताओ कोई एसिड बेस वाला पेयर हुआ क्या, नहीं सर, नहीं हुआ। तीसरा देखो, HF और H2F+, HF क्या है हमारा, बेस है, और H2F क्या है, कंजुगेट एसिड है। दिखेगा क्या एसिड बेस वाला पेयर, कंजुगेट वाला, दिख गया, तो ये सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। डी वाला देखते हैं, HClO4 है और H2F है, HClO4 क्या है, एसिड है, और H2F+ क्या है, एसिड, कंजुगेट वाला है ही नहीं, मतलब कंजुगेट एसिड बेस कोई है ही नहीं, दोनों एसिड ही है, कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेविस वाला तो आपको सबको बता ही दिया, बिल्कुल यार, एग्जांपल देख लेना है आप लोग सबको, ये देखो H+ भी अपना इलेक्ट्रॉन जगह देके ये भी लेविस बन गया, ये भी लेविस बन गया, ये भी लेविस बन गया, आप लोग जरूर एकदम पढ़ना, वरना फिर वैसे मजा नहीं आएगा। लेविस बेस वाला भी मैंने बता दिया, लोन पेयर होगा, और ये क्या होगा, माइनस भी होगा इसके पास। आगे देखते हैं, द कंपाउंड इज नॉट लेविस एसिड, कर लोगे क्या आप लोग, यस सी ऑप्शन, पढ़ लेना यार आप लोग। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, ZL सी ऑप्शन, ये वाला तो होगा ही, बोलो, यस सर, ये कौन से ये सुनो, ये कौन से ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का है, ये बताओ, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा क्या, यस सर, ये भी तो ले सकता है ना, ले सकता है, SiCl4 ये थर्ड ले सकता है, यानी तीन ऑप्शन होगा, ABC होगा, ठीक है क्या, यस सर, ले सकता है। देखो ABC, सीधी बात है, SiCl4 है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल को आप वैकेंट डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, सो इट विल बी हैव अ लेविस एसिड ऑप्शन, एज करेक्ट चॉइस। बी वाला देखो, बी वाला भी सेम होगा, ZN वाला तो बताया ही मैंने आपको, बताया ही हूं, क्वेश्चन आगे सब वही क्वेश्चन है यार, सीधी बात, ये पूछ रहा है Which of the following can act as Lewis acid? कौन ऐसा है जो Lewis acid, यानी कौन भिखारी है? So, C option. बता दो, और भी लोग बताओ। C तो है ही। B आपको नहीं लग रहा क्या? B भी हो सकता है भिखारी। Yes sir. ये भी तो वही वाला है ना? Yes sir. खाली है ये भी है। ये भी खाली है यार। इसके पास तो lone pair है, यानी कि option D हमारा सही होगा। बोलो यार। बिल्कुल, कोई ऐसा है क्या, बस सुन रहा है और कुछ को समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा है क्या, बस सुन रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, हैंड रेज करो यार, कोई तुमको नहीं जानता है, ऑनलाइन सब चीज चल रहा है, कोई तुमको नहीं जानता है, ऑफलाइन में इंसल्ट होता है यार, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं होता है। अंजलि क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ, अंजलि क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ यार,
सर मेरी पहली क्लास है ना, तो मतलब मैंने एक चैप्टर पढ़ा भी नहीं है मतलब बिल्कुल भी, तो मतलब बीच में से अच्छा आप टॉपिक वो करवाओ थोड़ा मैं बीच से नहीं सा करा रहा हूँ, डिफिकल्ट हो मैं रहा बीच से नहीं करा रहा हूँ आज, मुझे लग रहा है शुरू से ही रिवीजन कराया हूँ। है। यस सर ये सेकंड क्लास है, ये है कि जो मैंने रिवीजन कराया है ना 10 मिनट में ही फिनिश कर दिया है। आप अंजलि पता है कि आप मुझे मैसेज करना, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना, क्योंकि जब नहीं देखोगे ना बहुत, देखो सबके लिए टफ होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम, 1 मिनट बताओ सैम, आप बताओ आयनिक इक्विलिब्रियम टफ है या फिर इजी है? इजी है सर बहुत। देखो है तो टफ, लेकिन आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब है तो इजी, लेकिन आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा ये, क्योंकि नहीं आप बताओ ये कंजुगेट एसिड वाला बेस वाला गेम जल्दी कभी कभी भूल जाता है, नहीं समझ आता है। आप लोग नहीं समझ, पीएच वाला नहीं समझ आता है जल्दी, ये सब आप लोग को करना पड़ेगा। पर नहीं सर, आ रहा थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में, क्योंकि आप स्टोरी से समझा रहे हो ना। हाँ स्टोरी से ही बता रहा हूँ मैं, हाँ आप इसलिए लोग समझ आ बताओ। रहा थोड़ा ठीक थोड़ा। है ये वाला क्लास समझ लो, आप रिकॉर्डेड पढ़ देख लेना वो वाला भी, ताकि आप लोग को और इजीली समझ आ जाए। देखो ओके सर ये पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लेना। यस ये सर पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ ऐसे दिया हुआ है, डज नॉट एक्ट एज एसिड। ये पढ़ कर लोगे क्या? ये भी कर यस लेना, सर दिया हुआ है, दिया हुआ है यार, ऑप्शन दिया हुआ है, कर लेना आप लोग, ये भी कर लेना। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली बिहेव एज लेविस बेस, ये भी आप लोग कर लेना, सर लेविस बेस। अब क्या है ये देख ही लेते हैं यार, कौन ऐसा है जो लेविस बेस जैसे लिस्ट लाइकली बिहेव एज सर लेविस बेस, बोलो। सोसिएगा बिल्कुल यार बिल्कुल, सबसे कम लेविस बेस कौन है? यही है, बी बाकी तो सब है ही, क्योंकि सबके एफ पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर, इसके पास तो माइनस चार्ज ही है, इसी के पास नहीं है, तो ये सबसे कम लेविस स्पेस है। आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ये बताना आप लोग, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो ये पूछ रहा है ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर आल्सो लेविस बेस, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है जो एच प्लस ले ले। हाँ एच प्लस ले ले? तो मानो हमारे पास क्या है, एन एच थ्री है, 1 मिनट मैं ऐसे बोलता हूँ, एन एच थ्री है और एच सी एल है, मतलब ये है कुछ, आप बताओ ये कुछ ऐसे हुआ क्या, एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस। ये बताओ मैंने एच सी एल को पानी में डाला तो ये क्या हुआ, पानी एच प्लस को ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हुआ, बोलो इसका मतलब ये कौन सा बेस हुआ, ब्रोंस्टेड बेस हुआ, यस सर ब्रोंस्टेड बेस हुआ। और ये पूछ रहा है आल ब्रोंस्टेड बेस आर लेविस बेस, ये लेविस बेस तो हुआ ना क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है, यस यानी सर लेविस के अकॉर्डिंग भी बेस हुआ और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस हुआ, तो पहला ऑप्शन सही होगा क्या? बिल्कुल यस सही होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो आल ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड, जो सभी ब्रोंस्टेड एसिड है वो लेविस एसिड नहीं है, आप बताओ ब्रोंस्टेड एसिड का क्या मतलब है, जो जो एच प्लस दे दे, और लेविस एसिड का क्या मतलब है, उसमें भिखारी वाला गेम होता है, कोई एच प्लस वाला गेम नहीं होता गलत। है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यस गलत हो जाएगा। तीसरा देखो मस्ट केटायन आर एसिड, जो केटायन होता है यानी कि जो प्लस बनाता है वो एसिड होगा या फिर बेस होगा? एसिड होगा यार, क्योंकि ये अपना जगह खाली कर देता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एसिड होगा ना, बिल्कुल। एंड मस्ट एनायन आर बेस, एनायन का देख लो जैसे ओ एच माइनस देख लो, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है फालतू सा, ये दे सकता है, ये क्या होगा, ये बेस होगा, होगा यानी ये भी वाला हमारा सही होगा। अब बोला आल ब्रोंस्टेड बेस आर आल्सो आरहीनियस बेस, जो सभी ब्रोंस्टेड बेस होते हैं क्या आरहीनियस बेस होते हैं क्या? आरहीनियस के लिए कंडीशन क्या है, पानी होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस के लिए पानी होना जरूरी है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, बताओ सबको समझ आ गया क्या यहाँ तक? यस यस सर तो दो ही ऑप्शन सही होगा, ज्यादा कोई नहीं होगा, दो ही ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। सर जो वाटर होगा सर वो लुईस के अकॉर्डिंग सर वो एम्फोटेरिक होगा या फिर नहीं होगा? सर क्या ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग आपने बताया था कि वाटर देखो, एम्फोटेरिक हाँ होगा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस एम्फोटेरिक होगा और लुविस के अकॉर्डिंग बेस होगा। सर कैसे सर? देखो ब्रोंस्टेड ने क्या बोला था, जो देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस, बेस लेकिन लेविस ने क्या बोला था, सीधा लोन पेयर वाला गेम बता दिया था, अगर जो इलेक्ट्रॉन देगा वही बेस होगा,
तो ये ले तो नहीं सकता ना H2O प्लस, नहीं ले सकता है, ना ही ये किसी थर्ड ऑर्बिट का है और ना ही इसके पास कोई खाली जगह है, बोलो। इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग केवल बेस होगा, लेविस के अकॉर्डिंग केवल बेस होगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या होगा? लेविस एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक होगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नहीं सर, हो गया बोलो, सर क्लियर। एक कर लेना यार आप लोग। अब मैं सीधा पीएच पे आता हूँ, ये आप लोग कर लोगे क्या? सब वही सब दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ। मैंने कल पीएच का फॉर्मूला आप लोग को बताया था क्या सब चीज? नो सर। चलो मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात है, आप सबको पता होगा कि पीएच मतलब क्या होता है। ध्यान दो, सीधी सी बात है, एक लाइन होती है, वो कितनी बड़ी लाइन होती है? 0 से 14 तक लाइन होती है। बीच में क्या होता है? 7 होता है। 0 से 7 के बीच क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक। 7 से 14 के बीच क्या होता है? बेस होता है। बेस होता है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो होता क्या है कि जो एसिड होता है उसमें हम क्या मेजर करते हैं? एच प्लस को फाइंड करते हैं, और जो बेस होता है उसमें क्या हम निकालते हैं? ओ एच माइनस निकालते हैं। अगर एच प्लस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। एसिड अगर ओ एच माइनस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? बेस बेस है। इसी पे फॉर्मूला आता है पीएच का फॉर्मूला। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस का प्लस कंसेंट्रेशन। अगर किसी सॉल्यूशन में हम एच प्लस का कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे तो हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या है? एचसीएल है, और मैंने उसको क्या डाल दिया? पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो पानी में एच प्लस घूमेगा क्या? घूमेगा। तो इसका हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। लेकिन मानो मैंने NaOH डाल दिया, NaOH पानी में डाल दिया, तो पानी में क्या घूमेगा? OH ओएच माइनस। तो हम बताओ इसका पीएच कैसे निकालोगे? इसके पास तो एच प्लस है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे, जिसके पास OH माइनस है। नो बोलो, कोई प्रॉब्लम क्या? पीओएच सर। निकाल के फिर एक फॉर्मूला है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। ये फॉर्मूले में रख देंगे लोग तो फिर से हम पीएच निकाल सकते हैं। बोलो, यस सर, समझ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लॉग वाला गेम आप लोग को आता होगा। अगर लॉग ए पे पावर बी है तो क्या होता है? बी लॉग ए हो जाएगा। बिल्कुल, एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर मेरे पास log 10 पे पावर 5 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 log 10 लिख सकता हूँ। ऐसे बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास log a इंटू बी हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लॉग ए प्लस log लॉग a प्लस log b लॉग लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल देखो, log 2 इंटू अगर 5 हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 2 नो log 5। कोई प्रॉब्लम क्या? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नो नहीं। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, अगर मेरे पास log a बाई बी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग log बी। a माइनस log b लिख सकते हैं क्या? यस सर। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरे पास log 2 बाई 3 हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 2 माइनस log 3। log 3। ये तीनों फॉर्मूला सबको याद हो गया क्या? सबको याद है क्या पहले से? यस सर, याद है। बाकी लोग बताओ, कंफर्म करो। बाकी लोग, बाकी यस लोग सर, पहले याद हो कंफर्म गया, करो, याद हो गया या याद फिर याद था? था, याद था सर याद पहले से। था। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और बताओ, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4771, और जो log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6990, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो एक बात याद रखो, इसका और इसका आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये 3 याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर लॉग टेबल भी तो दे नो रहे हैं उसके पीछे, एनसीईआरटी सर। बुक के पीछे सर। क्या? कोई बात नहीं, वो आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि आप लोग 3 याद कर लेना, और बाकी अगर कोई टफ क्वेश्चन हो दे दिया तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू उसमें दे रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। अगर कोई टफ क्वेश्चन दे दिया तो दे देता है। यस सर। हम पीएच वाला क्वेश्चन करें क्या?
पढ़ते हैं। देखो मजा आएगा। जैसे मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.01 मोलर का HCl है, कुछ ऐसे है। इसकी कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ कुछ ऐसे बोल रहा है। इस सॉल्यूशन का पीएच बता दो क्या आएगा। ध्यान दो, हमारे पास क्या है, HCl है। HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, बोलो यार। अगर एक मोल HCl है तो एक मोल H बनेगा और एक मोल Cl बनेगा। अब हमारे पास क्या है, 0.0 मोल ये है। तो आप बताओ, पहले तो जीरो जीरो था स्टार्टिंग में, लेकिन जब टूट के जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब पूरा का पूरा टूटेगा, बोलो। पूरा का पूरा टूटेगा तो इसके पास बचेगा कितना, जीरो ही ना बचेगा। देखो अब बनेगा कितना, तो जितना टूटा उतना ही बनेगा, तो टूटा कितना, पूरा ही टूट गया, तो जीरो पॉइंट आएगी जीरो इसमें वन नो और ये क्या आएगा, 0.01। बोलो कोई प्रॉब्लम क्या। देखो सर नो सर एक मोल था तो एक मोल बना, तो इतना था तो इतना ही तो बनेगा ना। देखो अब बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया यहाँ पे, देख के बताओ। 2 की पावर 10 की पावर 1 × 10 की पावर 2 बिल्कुल, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 पे पावर -2 लिख सकते हैं क्या इसको, लिख सकते हैं। अब देखो पीएच का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, माइनस लॉग माइनस लॉग इन टू एच एच प्लस का प्लस कंसंट्रेशन। ध्यान दो, माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 पे पावर -2। माइनस टू ध्यान दो माइनस है, और 10 पे पावर -2 मैं आगे लिख दूंगा, वही ए पे पावर बी वाला सीन आ गया, माइनस दो यस लिख दूंगा, फिर क्या आ जाएगा, इन log 10। और log 10 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, वन वन बताया, तो कितना आ जाएगा, +2 आंसर आ जाएगा क्या पीएच। सर यस कोई टफ था क्या ये, नो सर अच्छा कोई टफ नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। मानो अगर कोई पूछ दे कि इसका पीओएच बता दो, पीओएच तो पीओएच कैसे करोगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या लिखोगे, 14 लिखो, 14 हमारा लिखोगे, तो पीओएच बराबर क्या लिखोगे, 14 माइनस पीएच, 14 - 2 यानी कि 12 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और भी मजेदार है। जैसे मानो हमारे पास 0.01, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मानो हमारे पास क्या है, 0.04 मोलर का NaOH दे दिया। आप बताओ इस बार क्या है, H प्लस है या फिर OH माइनस है। OH OH नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पी ओ एच बराबर माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, और इसका पूछा क्या है हमसे, इसका पीएच पूछा है। देखो अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं, एन ए ओ एच कैस में टूटा, एन ए प्लस में और ओ एच माइनस में टूटा। ध्यान दो ये कितना है, 0.04, तो 0.04 यहाँ पे भी होगा और 0.04 यहाँ पे भी होगा। आप बताओ ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 10 पावर - माइनस बिल्कुल। देखो क्या करता हूँ, माइनस लॉग 4 × 10 पे पावर -2। अब लगाता हूँ फॉर्मूला, माइनस को ऐसे ही रखता हूँ, लॉग ए इंटू बी वाला लगाता हूँ, तो 4 + log 10 पे पावर -2 कर लू सकता हूँ क्या, यहाँ से फॉर्मूला यस के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। आगे देखते हैं, आगे आगे क्या होगा, माइनस तो वैसे ही रहेगा, लॉग 4 की वैल्यू क्या मैं लॉग 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या, फिर इसको लिख सकता हूँ, और ये 2 वाला क्या है, इसको पहले ला दूंगा, तो -2 log 10 कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ध्यान दो मैं माइनस का वैसे ही रहेगा, log log इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 + log 2 - 2 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ध्यान दो log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3010 + 0.3010 - 2 कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हम डायलॉग 4 की वैल्यू लिख दें log 4 की वैल्यू बिल्कुल लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको 2 पे पावर 2 भी कर सकते हो, फिर उसको भी पहले ला सकते हो, कोई इशू नहीं था। मैं वैसे ही करता हूँ, यस वैसे काफी इजी हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहां से, एक मिनट को, जो यहां वाला है ना, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको माइनस तो वही रहेगा, log 2 पे पावर 2 लिख दूंगा, फिर से प्लस है, log 10 पे पावर क्या है, -2 है। ध्यान दो क्या हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 - 2 log 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब क्या करोगे, यस आपको
इंटू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो कर लो, फिर माइनस कर लो, क्या कर लो इसको, माइनस टू कर लो, ऐसे कर लेना यार, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर, हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग को, जैसे मानो 0.03 दे दिया, 0.02 ही दे दिया मोल H2SO4, कुछ ऐसे दे दिया हमको, आप बताओ फिर से वही लगाएंगे हम, वो हमको पीएच निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन, कोई प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो, अब हमारे पास क्या है, H2SO4 है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस बनेगा क्या, बताओ? अगर अगर एक H प्लस था, एक H2SO4 था, तो कितने H प्लस दिया? जीरो, दो। एक H2SO4 था तो कितने H प्लस दिया? दो। दो। अगर मेरे पास इतना हो तो कितना देगा? 0.04। इसका दुगना कर देंगे, बोलो यार। यस सर, मल्टीप्लाई जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इतना का इतना ही रहेगा। हाँ। कितना जाएगा, 0.04 आ जाएगा क्या? तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया, 0.04। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, माइनस लॉग, वैसे निकल जाएगा सर 0.04, कोई प्रॉब्लम क्या, माइनस लॉग माइनस टू, टू इंटू टेन पे पावर फोर इंटू टेन पे पावर माइनस टू, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर, हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नो सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये लॉग वगैरह मजा आ रहा है क्या, समझ आ रहा है आप लोग को? यस सर, अच्छे से समझ आ रहा है। ये पढ़ लेना आप लोग, या पढ़ लेना, ये बताना पड़ेगा क्या, दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल, H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक, आप लोगों को सब समझ आता है। सर मैं एक पूछी थी, एंटीलॉग सर, एंटीलॉग सर पॉइंट्स में कैसे निकालते हैं सर, पॉइंट वाला जो डेसिमल, एंटीलॉग वगैरह वो सब दिया होता है, वो शायद कुछ पूछता नहीं है, सब दिया होता है। नहीं सर, जैसे जी वो तो निकाल लेंगे सर, पॉइंट कब लगाना होता है, जैसे एंटीलॉग में पॉइंट वाले भी दे देते हैं ना, पता नहीं इसका मुझे, शायद एंटीलॉग का ज्यादा आइडिया नहीं है, वो नहीं देते यार, वो सब डाटा वगैरह दे के देते हैं, कुछ ऐसे एंटीलॉग वगैरह वाला सीन नहीं देते शायद वो, किसी में दिया है क्या एंटीलॉग? नहीं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, पीएच पीछे दे रखा है वैसे टेबल, नहीं वो क्वेश्चंस में नहीं आते ऐसे, क्योंकि जनरली हम एंटीलॉग वगैरह ये सब कब पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस में आएगा तब, ये सब तभी आता है। हाँ, क्वेश्चंस में शायद आते नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा उसको सही से अभी। जी सर, ठीक है, ठीक है, ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर, कोई आगे देखते हैं यार आगे, ये पढ़ लेना पीएच स्केल, पढ़ लेना आप लोग, ये भी सब बताने की जरूरत नहीं है, पीएच 7 से कम आया तो एसिडिक होगा, ये सब आप लोग जानते हो। यस सर, जानते, हाँ ये तो मैंने बताया ही। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लाजवाब है, ध्यान दो, मान लो, एक मिनट को, मान लो कि देखो इसका हमें पीएच निकालना है, पीएच, और ये क्या है, ये NaOH है, तो आप बताओ हम पीएच निकालेंगे या फिर पीओएच निकालेंगे? पीओएच। तो पीओएच बराबर क्या होगा, माइनस लॉग 10 पे पावर माइनस 2 लिख, तो क्या ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो पीएच पीओएच कितना आएगा, 2 आएगा क्या? 2 आएगा, तो पीएच कितना आएगा बोलो यार, 12 आएगा कि नहीं आएगा? 12 आएगा, कर लोगे यार आप लोग, ये देखो इसका बताओ, फाइंड द पीएच ऑफ 10 पे पावर माइनस 8 मोलारिटी दिया हुआ है KOH, आप बताओ KOH क्या है, एसिड है या फिर बेस है? एसिड। हम इसका क्या निकालेंगे, बेस है, बेस सर, बेस है, बेस है, बेस। पीओएच निकालेंगे, माइनस लॉग ओएच माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 पे पावर माइनस 8 है, आप बताओ कितना आएगा, 8 आएगा क्या पीओएच? पीएच कितना आएगा, 14 माइनस 8 यानी 6 आएगा, आप बताओ ये है बेस, दिया तो बेस है लेकिन पीएच कितना आया, आप बताओ आंसर सही है फिर गलत है? रॉन्ग है, रॉन्ग है, ध्यान दो, आपका आप मेरे से कंपैरिजन कर सकते हो क्या किसी भी चीज में? नो सर, नहीं कर सकते। आप कंपैरिजन अपना किससे कर सकते हो, अपने दोस्तों से ही कर सकते हो, बोलो सर, क्योंकि वो आपके लेवल के हैं, हर एक चीज आपको उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप उनके लेवल के हो। तो पता है क्या होता है, एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया, पानी होता है ना, पानी
पानी में क्या होता है, H2O होता है, और H2O भी तो टूटते हैं ना, H प्लस और OH माइनस में, तो पानी क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है क्या? यस सर। तो जितने H प्लस होंगे उतने OH माइनस भी होंगे, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करते तो आता है 10^-14, पता है क्या होता है? पता है पानी में H प्लस का कंसेंट्रेशन होता है 10^-7 और OH माइनस का भी कंसेंट्रेशन होता है 10^-7, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 10^-14, यानी कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होता है पानी में 10^-7, OH माइनस का कितना होता है, इसका भी सेम होता है, सेम होता है, ध्यान दो। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, देखो इसमें पता है क्या है, जो OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन है ना एकदम पानी के पास है, एकदम पानी के कंसेंट्रेशन के पास है, इसलिए हम क्या करेंगे जब इसका सॉल्यूशन लेंगे ना KOH पानी में जब हम इसको मिलाएंगे ना तो कैसे टूटेगा, K प्लस और OH माइनस टूटेगा और पानी भी टूटता है H प्लस और OH माइनस, OH माइनस। हम पानी से इसका कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कंसेंट्रेशन एकदम पानी के पास है, अगर ये एकदम हाई रहता या फिर लो होता तो हम कंपेरिजन करते क्या, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ध्यान दो। अब बताओ OH K प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा 10^-8, OH माइनस का कितना होगा, सेम होगा, H प्लस का कितना होगा पानी का, अभी मैंने बताया, अभी बताया, और OH का भी कितना होगा 10^-7। अब बताओ इसमें दो OH मिल गया क्या, एक ये वाला और एक ये वाला, अब दोनों का, दोनों के OH की वजह से तो बेस होता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, क्या होगा 10^-8 प्लस 10^-7। अब बताओ जो कैसे जोड़ेंगे इसको, कितना आएगा जोड़ने पे, 15 नहीं जोड़ेगा, मतलब यार आप लोग कुछ भी जोड़ देते हो कैसे भी, 10^-8 प्लस 10 × 10^-8 ऐसे कर सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ 10^-8 को कॉमन कर ले रहा हूँ, क्या बचेगा 1 + 10 बचेगा क्या, यस सर। अब 11 × 10^-8 लिख सकता हूँ, यस सर, जोड़ दिया ना मैंने, यस सर, ऐसे जोड़ते हैं यार, ऐसे ही जोड़ते हैं। अब बताओ अब मैं इसका क्या निकालूंगा, POH निकालूंगा, POH निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसेंट्रेशन माइनस लॉग 11 × 10^-8, कर लोगे क्या आप लोग, यस सर कर लो, आप लोग कर लेना, जो POH का वैल्यू आता है ना कुछ इतना आता है 6.9 के आसपास आता है POH, जब POH 6.9 आएगा तो pH कितना आएगा 7.1 के आसपास आता है, ये D वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो, नो किसी को भी डाउट हो बताओ यार, किसी को भी डाउट हो बताओ, नो सर, सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है।